मिशन 400 पार के लक्ष्य को पूरा करने के लिए जुटी बीजेपी ने चुनाव प्रचार और ज्यादा तेज कर दिया है और इसी क्रम में पीएम मोदी आज पीलीभीत के दौरे पर रहेंगे। पीएम मोदी आज पीलीभीत में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी यहां पर बीजेपी उम्मीदवार जितेंद्र प्रसाद के पक्ष में जनसभा करेंगे। आपको बता दें कि बीजेपी ने इस बार सिटिंग सांसद वरुण गांधी का टिकट काटकर उनकी जगह जितेंद्र प्रसाद को चुनावी मैदान में उतारा है। तो पीलीभीत में जितेंद्र प्रसाद के पक्ष में बड़ी रैली आज होने जा रही है। बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। पीएम का धुआंधार प्रचार आज आपको देखने को एक बार फिर से मिलेगा। लगातार पीएम मोदी अलग अलग जगहों पर जाकर भाजपा के प्रत्याशियों के लिए प्रचार कर रहे हैं और बीजेपी के सबसे बड़े स्टार प्रचारक पीएम मोदी हैं जो अलग अलग जगहों पर रैलियां रोड शो कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज जितेंद्र प्रसाद के पक्ष में पीलीभीत में रैली करने वाले हैं। पीएम की रैली से पहले सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं। कुछ रूट्स को भी डायवर्ट किया गया है। करीब 30% मुस्लिम मतदाता है यहाँ पर, 17% दलित मतदाता है। जाति समीकरण भी आपको समझा रहे हैं हम। लोधी, कुर्मी, मौर्य, इनकी भी अच्छी तादाद है यहाँ पर, जाटव वोटर्स की भी। और 1990 के बाद से लगातार यहाँ पर बीजेपी का दबदबा रहा है। मेनका और वरुण गांधी की अगर बात करें तो उन्हें जीत मिली थी। वरुण गांधी सिटिंग एमएलए थे, माफ कीजिएगा, सिटिंग सांसद से यहां से, और उसके बाद अब उन्हें हटाकर यहां पर जितिन प्रसाद को टिकट दिया है इस बार भारतीय जनता पार्टी ने, वरुण गांधी का टिकट काटकर। तो पीएम की रैली आज होनी है यहां पर, बड़ी तादाद में लोग पहुंचने वाले हैं। पूरी तैयारी कर ली गई है भारतीय जनता पार्टी की ओर से। तमाम कार्यकर्ता उत्साहित दिख रहे हैं और साथ ही साथ जो लोग सुनने के लिए दूर दूर से पहुंचे हैं आज प्रधानमंत्री को, बताया जा रहा है कि 1 लाख के आसपास यहां पर लोगों की जनसभा होगी और ये ऐतिहासिक रैली, ऐतिहासिक जनसभा ये होने जा रही है, ये जानकारी दी जा रही है। तो पीलीभीत में पीएम मोदी की महारैली आज होनी है। तो धुआंधार प्रचार चल रहा है, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, अलग अलग पार्टियां भी लगातार प्रचार में जुटी हुई हैं। अनुपम मिश्रा हमारे सहयोगी पीलीभीत से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अनुपम, जरा दिखाइए कि रैली से पहले किस तरह का माहौल है, किस तरह का उत्साह है कार्यकर्ताओं में और साथ ही साथ जनता में जो आज पीएम मोदी को सुनने के लिए पहुंच रहे हैं। क्या कुछ रूट्स भी डायवर्ट किए गए हैं, इस बारे में भी जानकारी दीजिएगा। यहाँ पर इस वक्त हम जिस तरीके से आज प्रधानमंत्री की यहाँ पर रैली है उसके लिए लोगों का जोश यहाँ पर बन रहा है। कैमरामैन नरेश से कहेंगे दिखाएं कि किस तरीके से पीलीभीत में यहाँ पर प्रधानमंत्री की जो रैली है उसके लिए यहाँ पर तमाम कार्यकर्ता और लोगों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। 11 बजे से 12 बजे तक 1 घंटे प्रधानमंत्री पीलीभीत में रहेंगे और सबसे महत्वपूर्ण से इस लिहाज से भी देखा जा रहा है कि 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद से प्रधानमंत्री की ये उसके बाद पहली रैली पीलीभीत में है, क्योंकि जिस तरीके से मेनका गांधी और वरुण गांधी का वर्चस्व इस सीट पर रहा, इस बार यहाँ से जितेंद्र प्रसाद को, जो कि उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री है, उनको यहाँ से प्रत्याशी बनाया गया है। तो लोगों में एक जोश भी यहाँ पर काफी है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सिर्फ पीलीभीत ही नहीं, इसको इसके जरिए, इस रैली के जरिए भारतीय जनता पार्टी पूरे रोहिलखंड को साधने की कोशिश कर रही है। चाहे बदायूं की बात हो, चाहे बरेली की बात हो, चाहे शाहजहांपुर की बात हो, चाहे आंवला की बात हो, तो ये सारी जो रोहिलखंड की सीटें हैं उन तक यहाँ पर इस रैली का मैसेज जाएगा। बड़ी संख्या में आपको दिखाएं कि लोगों के पहुंचने का सिलसिला यहाँ पर लगातार जारी है। महिलाएं भी बड़ी संख्या में पहुंची है। कुछ लोगों से यहाँ पर हम बात करने की कोशिश करेंगे। कहाँ से आए आप? जगदीशपुर से। कितना उत्साह है रैली को लेकर? कितना उत्साह है रैली को लेकर? अच्छा जी, कहाँ से आई आप? मैं पीलीभीत से। क्या कहेंगी आप, आज रैली है प्रधानमंत्री की? माननीय प्रधानमंत्री जी, इस बार तो 400 पारी है ना। मैं फरहानाज प्रदेश मंत्री, भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा उत्तर प्रदेश। क्या कहेंगी, इस बार जितिन प्रसाद को यहाँ से प्रत्याशी बनाया गया है? जितिन प्रसाद को प्रत्याशी बनाया गया है? जितिन प्रसाद जी भारी बहुमत से विजयी घोषित होंगे, ये मेरा वादा है, ये मेरा दावा भी है। जिला पीलीभीत से बहुत बढ़िया रिजल्ट जाएगा। उत्साह है, देखिए बहन जी भी यहाँ पर हमारे साथ हैं, उनसे पूछते हैं, बात करते हैं। बहन जी, क्या कहेंगी आप, आज भाजपा की रैली आप यहाँ पर पहुँची है? हमें हर बार मोदी सरकार चाहिए, मोदी सरकार चाहिए हर बार। क्या लग रहा है भारत पर, भाजपा की सरकार में क्या क्या काम हुए हैं? बहुत सारे काम हुए, गरीबों के घर बने और घर घर गैस पहुँचाई, हर घर में बिजली पहुँचाई, बहुत सारे काम किए हैं मोदी जी ने। भाई साहब, कहाँ से आए आप? पीलीभीत से ही है।
क्या कहेंगे, आज रैली है प्रधानमंत्री जी की? बस मोदी जी की 400 पार अब की बार होने चाहिए। और यूपी में? यूपी में, यूपी में तो जीतेंगे जीतेंगे, योगी जी हैं, बहुत बढ़िया सरकार चल रही है योगी जी की, बिल्कुल दंगा मुक्त सरकार चल रही है योगी जी की। आप देख सकते हैं किस तरीके से श्रीराम, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरी तरह से जोश में हैं, और यहाँ पर लगातार जो 400 पार का जो नारा यहाँ पर दिया गया है उसको लेकर के लगातार लोग यहाँ पर पूरी तरह से हुंकार भर रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए जो हमारे स्थानीय सहयोगी है परवेश, वो यहाँ पर है। परवेश से जानते हैं, परवेश क्या समीकरण यहाँ पीलीभीत में इस बार बन रहे हैं और इस रैली को कितना महत्वपूर्ण माना जा रहा है पूरे रोहिलखंड के लिए? देखिए, ये रैली आज तय करेगी भाजपा की जीत, और कितने की जीत होगी ये रैली तय करेगी आज, क्योंकि जितिन प्रसाद जीत रहे हैं ऑलरेडी, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, मगर जीत का आंकड़ा कितना बढ़ेगा वो ये रैली ही मोदी जी की तय करेगी आज। इससे पहले देखा जाए तो यहाँ पर मेनका गांधी, वरुण गांधी, इस बार भाजपा ने यहाँ पर प्रत्याशी बदले हैं, उसका क्या इफेक्ट यहाँ पर दिखाई दे रहा है? फिलहाल देखिए, मैं कल कम से कम 20 गांव गया था, कोई इफेक्ट नहीं है। सिर्फ लोगों से जब हमने बात की है तो मोदी जी, सिर्फ और सिर्फ मोदी जी के नाम पर वोट पड़ रहा है, किसी का कोई चलने वाले नहीं इफेक्ट। तो श्रीराम, आप देख सकती है कि मोदी फैक्टर जो है वो एक बड़ा फैक्टर यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है, और आज जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली है उसको सुनने के लिए लोग दूर दूर से, गांव गांव से, हम जब रास्ते में यहाँ पर आ रहे थे तो कई गाड़ियों में लोग पैदल चल चल के दो दो तीन तीन किलोमीटर, सुरक्षा के क्योंकि व्यापक इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं तो लोग पैदल चल चल के यहाँ पर कई किलोमीटर दूर से आ रहे हैं। देखिए लोग भाई साहब यहाँ पर पहुंचे हैं, भाई साहब क्या कहेंगे, आज रैली है प्रधानमंत्री की, पीलीभीत कितना उत्साह में है? पीलीभीत बहुत उत्साह में है, और ये समझ लीजिए इस रैली का बहुत दिनों से पीलीभीत के लोग इंतजार कर रहे थे, और ये समझ लीजिए कि आज मोदी का विकल्प नहीं है पूरे पूरे भारत में, और ये समझ लीजिए पीलीभीत ही नहीं, ये कमल खिलेगा पूरे भारत में। अब कुछ लोग आपको मोदी की बुराई करते हुए दिख जाएंगे, मोदी की बुराई मालूम कौन करता है? जो लोग अभी तक कटिया डाल के बिजली जलाते थे, जो लोग 5 जगह वोटिंग करते थे, 6 जगह जिनके वोट बने हुए थे, ये आधार कार्ड बनने से 13 लाख फर्जी जो राशन कार्ड पकड़ा गया है वो लोग मोदी को। आप क्या कहेंगे भाई साहब, आप क्या कहेंगे, किस तरीके से ये यहाँ पे और भी लोग हैं, भाई साहब आप क्या कहेंगे? मैं भैया बहुत उत्साहित हूँ, हमारे देश के ऐसे प्रधानमंत्री आज आ रहे हैं, इतना हम लोग उत्साहित हैं, बहुत ज्यादा उत्साहित हैं। देश में पहली बार ऐसा हो रहा है जो हम प्रधानमंत्री को अपने आंखों से देखेंगे, हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि इस युग में पैदा हुए हैं जो राम के दूत को हम देखना पसंद करेंगे, जिन्होंने सबको आवाज दिए फिर वो श्री राम को आवाज बनवाने का काम किया, उनका घर बनवाने का काम किया, उससे हम बहुत प्रभावित हैं, बहुत ज्यादा ही खुश हैं। उन्होंने सबका साथ सबका विकास के साथ अपने वादों पे खड़े उतरे, मोदी की जो गारंटी थी, गारंटी के हिसाब से सबका साथ सबका विकास का नारा संकल्प लेते हुए मोदी जी को ही हम वोट देना चाहते हैं, मोदी जी को ही हर युग में देना। ये आप जोश देख सकती हैं कि बहुत सालों से पीलीभीत के लोग यहाँ पर इंतजार कर रहे थे और ये इंतजार यहाँ पर अब पूरा हुआ है, प्रधानमंत्री की रैली यहाँ पर है, और इसको सुनने के लिए देखिए बड़ी संख्या में यहाँ पर महिलाएं भी आई हैं, उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं। मैडम, भाई साहब कहाँ से आए, युवा हैं आप, कहाँ से आए? मैं यहीं लोकल पीलीभीत से। क्या कहेंगे आज कई सालों के बाद प्रधानमंत्री की यहाँ पर रैली हो रही है? पहला दौर है मोदी जी का प्रधानमंत्री बनने के बाद, और आप देखिएगा भीड़ यहाँ, लाखों में भीड़ उमड़ने वाली है यहाँ, लाखों में भीड़। देखिए महिलाएं भी यहाँ पर है। मैडम क्या सुनाएंगी आप, अब तो राम मंदिर भी बन गया है। हाँ बन गया है, बहुत अच्छा लग रहा है हमें भी, मोदी सरकार ने बहुत सारा काम किया है, इसलिए बहुत सहमत है, हम मोदी को ही वोट देंगे। आप क्या कहेंगे बेटा, आप भी आए हो आज रैली में प्रधानमंत्री को सुनने के लिए आए हो? सर मेरा नाम रोशनी गाइन है, मैं BSc स्टूडेंट हूँ और मैं पहली वोटर हूँ इस साल की, तो मेरी यही इच्छा है कि मोदी सरकार ने हम लेडीज लोगों के लिए बहुत कुछ किया है और हमें बहुत भी सुरक्षा मिली है, पहले इतनी सुरक्षा नहीं थी कांग्रेस की सरकार में, बाकी सरकार में, लेकिन इसमें बहुत सपोर्ट है हमारे लिए, इसलिए हम बहुत खुश है। आप क्या कहेंगे बहन जी, आप भी घर बार से सब काम निपटा के आई है की? हाँ, क्या कहेंगी आज रैली में सुनने के लिए, प्रधानमंत्री को सुनने के लिए आई हैं? हाँ, क्या कहेंगी? मोदी को ही वोट देना, मोदी ही जीतेंगे। महिलाएं भी काफी उत्साहित हैं, देश की आधी आबादी भी किस तरह से उत्साहित दिख रही है, ये दिखाता है कि कितना खुश यहाँ पर बीजेपी की गवर्नमेंट होने की वजह से लोग हैं। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए, बातचीत के लिए अनुपम, आप बातचीत करते रहिएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ का तूफानी चुनाव प्रचार लगातार जारी है और आज भी सीएम 3 जगहों पर जनसभाओं को संबोधित करने वाले हैं। पहले सीएम पीलीभीत में पीएम मोदी के साथ मौजूद रहेंगे, पीलीभीत के बाद सीएम योगी रामपुर जाएंगे और बीजेपी उम्मीदवार घनश्याम लोधी के पक्ष में शिव मंदिर रठौड़ा मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे। रामपुर के बाद सीएम योगी हापुड़ जाएंगे,
हापुड़ में बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में रैली को संबोधित करेंगे। तो बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको दे रहे हैं, लगातार पीलीभीत में पीएम के साथ भी मौजूद रहेंगे सीएम योगी, और इसके अलावा भी तीन रैलियां आज रहने वाली है, तीन रैलियां ताबड़तोड़ जिनमें प्रचार करते हुए दिखाई देंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ।